हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड के सिलेबस के बारे में, क्योंकि अभी तक एमपी बोर्ड का 30% सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है। अब आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एमपी बोर्ड का सिलेबस आगे रिड्यूस किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सीबीएसई का 30% सिलेबस बहुत दिनों पहले रिड्यूस कर दिया गया था। और आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उनमें नया सिलेबस बताया जा रहा है, इसीलिए स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर, जो आप आईएमपी क्वेश्चंस दे रहे हैं वो चैप्टर हटा दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक एमपी बोर्ड का 1% सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है। और आगे की बात रही आगे होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, अगर बात करें एमपी बोर्ड के सिलेबस के बारे में कि आगे रिड्यूस किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, तो देखिए अभी तक तो नहीं किया गया, क्योंकि हम एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोले बैठे हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप पहले देख सकते थे यहाँ का इंटरफेस अलग था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टूडेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आप देख सकते हैं आपको सिलेबस का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिलेबस अपडेट नहीं किया गया है। हम आपको दिखा देते हैं, लाइव दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सिलेबस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा ई बुक, वीडियो, ऑडियो, ट्यूटोरियल। सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मीन्स जो पिछले साल 2019 के पेपर हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, 2020 के देख सकते हैं। इसके बाद आंसर सीट ऑफ टॉपर्स, यहाँ पे टॉपर की आंसर सीट मिलेगी, जो कि 2019 के टॉपर की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ब्लूप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिलेबस का ऑप्शन अभी तक आपको नहीं दिया गया है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ, सिलेबस अभी तक एमपी बोर्ड का चेंज नहीं किया गया है, तो आगे भी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आगे भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो भी सिलेबस दिया गया है। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम सीबीएसई की तरह जो सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस किया गया है 30%, उसको छोड़ दें और हम अपना 70% सिलेबस पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर एमपी बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है तो पेपर में 100% सिलेबस पूछा जाएगा, और आपने 70% तैयार किया है, आपका 30% सिलेबस तैयार नहीं हो पाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अभी पूरा सिलेबस तैयार करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि सर बोर्ड एग्जाम को बस नहीं देखना है आपको, 12th के बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आपके कॉलेज वगैरह के लिए, आपको वो सब देखना है, तो आपको पूरा मटेरियल तैयार करना होगा, क्योंकि उसमें 100% पूछा जाता है। तो यहाँ पे अभी तक एमपी बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है, तो आप पूरा सिलेबस कवर करिए, और आगे होता है तो हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। लेकिन आगे सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सेम टाइम पे। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मार्च के बाद अप्रैल में एग्जाम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मार्च में आपके एग्जाम होंगे, टाइम से एग्जाम होंगे, जितने टाइम से होते थे, लगभग 1-2 मार्च से स्टार्ट हो जाते थे और पूरे मार्च के महीने में एग्जाम चलते थे। तो यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, यहाँ पे आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, हमारे चैनल पर रेगुलर आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड होने की सीरीज चालू होना है। तो यहाँ पे हम आईएमपी क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अभी आपके स्कूल नहीं लग रहे हैं, आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, इस वजह से आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल नहीं है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आईएमपी सीरीज जो चल रही है हमारे आईएमपी क्वेश्चंस की, इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश, जो कि एमपी बोर्ड के लिए रहेगी, यहाँ पे हम क्लास 10th और 12th के लिए कवर करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जिस जिस क्लास के हैं उसके लिए हम कवर करेंगे, 9th 11th के लिए हम यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। तो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के आईएमपी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, और उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। और कुछ दिन बाद हमारी वेबसाइट डेवलप हो रही है, जो कि studygare.com, वो डेवलप हो जाएगी, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि लाइक करेंगे आप तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें उससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी सिलेबस के इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।